इस संसार में सांपों की लगभग 3000 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से सिर्फ 400 के करीब ही जहरीली होती है। इन्हीं में से 10 सबसे जहरीली सांपों के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है संतोष पटेल, टॉप 10 ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 10 पर है रैटल स्नेक। यह सांप उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला सबसे जहरीला सांप है। रैटल स्नेक अपनी पूंछ के आखिरी सिरे पर बने छल्लों के कारण आसानी से पहचाने जाते हैं। ये सांप अपनी कुल लंबाई के 2/3 हिस्से तक वार कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। इनके शरीर में हेमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। इस सांप के काटने से इंसान के शरीर की ह्यूमन टिश्यू खत्म होने लगती है, जिसके कारण अगर 2 घंटे के अंदर इलाज नहीं हो पाया तो मौत निश्चित है। नंबर 9 पर है डेट एदर। यह सांप ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुइना में पाया जाता है। डेट एदर घात लगाकर दूसरे सांपों का शिकार करने में माहिर होते हैं। इनका जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है। यह सांप एक बार में 100 मिलीग्राम तक जहर शिकार के शरीर में छोड़ सकते हैं। इनकी एक और विशेषता जो इसे घातक बनाती है, वो है 0.13 सेकेंड के भीतर दोबारा वार करने की क्षमता। नंबर 8 पर है सौ स्केल्ड वाइपर। वाइपर सांप वैसे तो पूरे संसार में पाए जाते हैं और इनकी अधिकांश प्रजातियां जहरीली भी होती है, लेकिन इनकी सबसे जहरीली प्रजातियां सौ स्केल्ड वाइपर, जो कि भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। ये सांप शरीर के जिस हिस्से पे काटता है वहाँ तेजी से खून बहना, पूरे बदन में जानलेवा दर्द और ब्लड प्रेशर में तेजी से गिरावट आ जाती है। काटने के 1 घंटे के भीतर इलाज नहीं हो पाया तो मौत निश्चित है। नंबर 7 पर है फिलीपींस कोबरा। ये सांप कोबरा की प्रजातियां में सबसे ज़्यादा जहरीली होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये शिकार को डसने की बजाय उस पर दूर से जहर थूकता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि सीधे हृदय तंत्र पर असर दिखाता है, जिसके कारण सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। इससे हार्ट अटैक या लकवा की समस्या बढ़ जाती है। नंबर 6 पर है टाइगर स्नेक। ये सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके अंदर बहुत ही ताकतवर न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। इसके काटने के 1 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। फिर भी ये सांप इंसानों के लिए ज़्यादा खतरा नहीं होता, क्योंकि इंसानों से मुठभेड़ होने पर ये अक्सर भाग जाते हैं। टाइगर स्नेक उसी स्थिति में काटता है जब ये एक कोने में हो और भागने की कोई जगह ना हो। नंबर 5 पर है ब्लैक माम्बा। ब्लैक माम्बा इस धरती का सबसे तेज सांप है। ये सांप 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ सकता है। ये सांप पूरे अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में सांप के काटने से होने वाले सबसे ज़्यादा मौतों के लिए यही सांप जिम्मेदार है। ब्लैक माम्बा एक बार में लगातार 10 से 12 बार काटता है और लगभग 400 से 600 मिलीग्राम तक जहर इंसान के शरीर में छोड़ देता है। इसका जहर फास्ट एक्टिंग न्यूरोटॉक्सिक होता है। ब्लैक माम्बा का सिर्फ 1 मिलीग्राम जहर ही इंसान को खत्म करने के लिए काफ़ी है। नंबर 4 पर है ब्लू क्रेट। ये सांप साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इनका जहर भी न्यूरोटॉक्सिक होता है, लेकिन कोबरा सांप के मुकाबले 16 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ब्लू क्रेट के काटने के तुरंत बाद इंसान को लकवा मार जाता है और काटने से 6 से 8 घंटों के अंदर मौत हो जाती है। अगर इलाज हो भी जाए तो भी हाइपोसिया की वजह से इंसान हमेशा कोमा में या फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। नंबर 3 पर है ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ये सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक बहुत ही जहरीले होते हैं। इनका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इनके जहर की एक बूंद का 14,000वां हिस्सा ही किसी इंसान को खत्म करने के लिए काफी है। इस सांप का एक छोटा सा बच्चा भी इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। इस सांप के काटने के 45 मिनट के भीतर ही इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 2 पर है इनलैंड टाइपन। ये सांप जमीन पर पाए जाने वाले सांपों में सबसे जहरीले सांप है। ये सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इनलैंड टाइपन इतने घातक होते हैं कि इनके एक जहर की बूंद 100 इंसान को मौत की नींद सुला सकती है।
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस सांप के द्वारा इंसानों को काटने का कोई मामला आज तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि ये आम तौर पर इंसानों की बस्ती से दूर रहना पसंद करते हैं और कभी सामना हो भी जाए तो वहाँ से बच निकलने की कोशिश करते हैं। नंबर एक पर है बेल्चर सी स्नेक, समुद्री सांप। ये सांप साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। समुद्री सांप इस संसार का सबसे जहरीला सांप है। इनके जहर की कुछ मिलीग्राम बूंदे ही 1000 इंसानों की मौत के लिए पर्याप्त है। हालांकि समुद्र में पाए जाने के कारण ये सांप इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है। केवल मछुआरे ही मछली पकड़ते वक्त कभी कभार इनका शिकार हो जाते हैं। समुद्री सांप अधिकतर मौके पर इंसानों को काटने से बचते हैं, बहुत ही रेयर केस में ही इंसानों को काटते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले एपिसोड आप लोग मिस ना कर सके। मैं हूँ आपका दोस्त संतोष, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।